तो जब भी किसी गेम की कोई मूवी या सीरीज अडेप्टेशन आती है तो यूजुअली वो इतनी अच्छी निकल कर नहीं आती, वो ओरिजिनल सोर्स मटेरियल की एसेंस को उतने अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाती। ऑल्दो रिसेंट टाइम्स में ये चीज थोड़ा चेंज होना शुरू हुई है द लास्ट ऑफ अस जैसी अमेजिंग गेम अडेप्टेशन के साथ। ये गेम के हार्डकोर फैंस, जनरल ऑडियंस और क्रिटिक्स सभी को पसंद आई थी। फिर जब फॉलआउट गेम की सीरीज अडेप्टेशन अनाउंस हुई थी तो आई वॉज एक्साइटेड, बट हाँ साथ ही माइंड में ये डाउट भी था कि क्या ये सीरीज फॉलआउट के वर्ल्ड के साथ जस्टिस कर पाएगी या नहीं। एंड नाउ जब मैं ये सीरीज देख चुका हूँ तो इस वीडियो में मैं फॉलआउट पे अपने थॉट शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू Let's do this. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉलआउट 2024 में अमेज़न प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक सीरीज है जो बेस्ड है इसी नाम की क्रिटिकली एक्लेम्ड वीडियो गेम सीरीज पे। इसे एज अ सीरीज क्रिएट किया है ग्रहम वैगनर और जेनेवा रॉबर्टसन डोरेट ने। सीरीज 8 एपिसोड्स की है जहां हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की है। सीरीज की मेन कास्ट में एला पर्नेल, वॉल्टर गॉगिंस और एरन क्लिफ्टन मॉर्टन जैसे एक्टर्स हैं। सीरीज के प्रेमाइस की बात करें तो ये एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री में साल 2077 में हुए वॉर के बाद हुए इवेंट्स पे फोकस करती है। इस ऑल्टरनेट हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट्स हुए जिससे वहाँ एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक सी सोसाइटी बन चुकी थी। रिसोर्सेज को लेकर एक वॉर छिड़ जाती है जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होता है। अब इस वर्ल्ड में न्यूक्लियर फॉलआउट से बचने के लिए काफी सारे अंडरग्राउंड वॉल्ट्स भी बने हैं जिसे वॉल्टेक नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी ने बनाया था। तो बहुत से लोग इन वॉल्ट्स में रहने लगे और ह्यूमैनिटी को अंडरग्राउंड लेवल पे आगे बढ़ाते रहे। इसी तरह का एक वॉल्ट है वॉल्ट 33, जहां एक इंसिडेंट के बाद हमारे मेन कैरेक्टर्स में से एक लूसी को अपना वॉल्ट छोड़कर सरफेस पे जाना पड़ता है और सरफेस पे आते ही उसे पता चलता है कि वॉल्ट के अंदर और बाहर की दुनिया में कितना ज्यादा डिफरेंस है। लूसी के अलावा सीरीज में दो और मेन कैरेक्टर्स हैं, कूपर और मैक्सिमस। सभी की अपनी स्टोरी पैरेलल में चलती है और हम इन्हीं की स्टोरी को फॉलो करते हैं। ये तो थी बात फॉलआउट के बेसिक प्लॉट की, अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। इसके तीनों ही मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं, इसीलिए तीनों की स्टोरी काफी एंगेजिंग और डिफरेंट टच लेकर आती है। थ्रू आउट द सीरीज इन सबका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफी अच्छा था, स्पेशली कूपर का, जो कि ऑनेस्टली रिसेंट टाइम्स में आए हुए बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। और इसे इतना ग्रेट बनाने का क्रेडिट वॉल्टर गॉगिंस को भी जाता है जिन्होंने कूपर के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। इनिशियली कूपर का कैरेक्टर सनकी सा फील होता है, बट जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस करती है हमें इसके पास्ट के बारे में पता चलता है, वो किन किन सिचुएशंस के थ्रू गुजरा है उसका पता चलता है और इस कैरेक्टर से हम काफी अच्छे से रिलेट भी कर पाते हैं। इसके अलावा बाकी के दो कैरेक्टर्स भी वेल रिटन हैं, बट हाँ मैक्सिमस को उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है एंड उसके पीछे का रीजन मुझे ये फील होता है कि ये शायद सेकंड सीजन के लिए बचा कर रखा गया है। लूसी के कैरेक्टर का प्रोग्रेशन भी सीरीज में काफी अच्छा है, सरफेस पे आकर उसे बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है जिससे उसका कैरेक्टर उन सिचुएशंस के हिसाब से मोल्ड करता है। ये सीरीज फॉलआउट गेम के पोस्ट एपोकैलिप्टिक वेस्टलैंड वर्ल्ड को काफी अच्छे से शो करती है। इसे काफी अच्छे से लिखा गया है और इसे गेम के हार्डकोर फैंस और जनरल ऑडियंस सभी को ध्यान में रख के क्रिएट किया गया है, विच आई थिंक इज रियली कमेंडेबल। सीरीज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें ड्रामा, एक्शन, डार्क कॉमेडी, सस्पेंस और थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलता है। मल्टीपल स्टोरी लाइंस को काफी अच्छे से इंटरकनेक्ट करके एक सॉलिड और एंटरटेनिंग स्टोरी हमें प्रेजेंट की गई है। ये वॉर्ड्स कहाँ से आए, कैसे बने, सरफेस पे रहने वालों का न्यूक्लियर वॉर के बाद क्या हुआ, वेस्टलैंड पे वो अजीबोगरीब क्रिएचर्स कहाँ से आए, वॉर्ड्स में किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे और लोग गूल्स में कैसे बदल जाते हैं, ऐसी कई मिस्ट्री सीरीज में देखने को मिलेगी जिनमें से कुछ का कंक्लूजन हमें देखने को मिलता है और कुछ को अनरिजॉल्व्ड ही छोड़ दिया गया है। बट उसका एक सिंपल आंसर ये भी है कि बची हुई मिस्ट्रीज का कंक्लूजन हमको इसके सेकंड सीजन में देखने को मिलेगा, जो कि अमेज़न प्राइम वीडियो की तरफ से कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा इसमें एक्शन और वायलेंस की भी कोई कमी नहीं है, सीरीज के हिसाब से ठीक ठाक है। डार्क कॉमेडी भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसका क्रेडिट इसके अच्छे डायलॉग्स को जाता है, तो इसके डायलॉग जिसने भी लिखे हैं ग्रेट जॉब। सीरीज हिंदी डब में भी अवेलेबल है और इसकी डबिंग भी काफी सही है। इस सीरीज में म्यूजिक या फिर कहें सॉन्ग्स का काफी यूज हुआ है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सीरीज में रेट्रो सॉन्ग्स का यूज हुआ है जो इस सीरीज की रेट्रो फ्यूचरिस्टिक डिपिक्शन को कॉम्प्लीमेंट भी करता है। आई मीन सिचुएशन के हिसाब से सही, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। तो ओवरऑल आई फील कि ये पोस्ट अपोकैलिप्टिक ड्रामा सीरीज इस साल की वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट एंटरटेनिंग सीरीज में से एक है जिसकी फास्ट पेस और एंगेजिंग स्टोरी हमें पीक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल रहती है। ये अपने क्रेजी और बोन चिलिंग ओपनिंग सीक्वेंस से सीरीज के अंत तक हमें स्क्रीन से चिपका के रखती है और अपकमिंग गेम अडॉप्टेशंस के लिए एक बेंचमार्क सेट करती है। और फाइनली सीरीज में थोड़ी न्यूडिटी और काफी वायलेंस भी देखने को मिल जाता है। तो आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा और अगर आपने भी फॉलआउट देख लिया है तो अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज, मूवीज एंड सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।